हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम मानव भूगोल के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में हम पढ़ रहे थे और आज के वीडियो में हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिटर्मिनिज्म यानी निश्चयवाद। तो देखिए, मानव भूगोल के तीन प्रमुख विचारधारा हैं। पहली है निश्चयवाद, दूसरी है संभववाद और तीसरी है नवनिश्चयवाद। तो आज की वीडियो में हम निश्चयवाद के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, हमने निश्चयवाद के बारे में हमने पहले की वीडियो में भी हमने चर्चा की थी, जब हमने मानवभूगोल की प्रमुख विचारधारा जैसे जर्मन विचारधारा पढ़ी थी उसमें भी हमने निश्चयवाद के बारे में चर्चा की थी और आज की वीडियो में हम एक इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देखिए, निश्चयवाद के अंतर्गत बताया गया है कि मानव और प्रकृति में जो सर्वोपरि है वो है प्रकृति। प्रकृति सर्वोपरि है, ठीक है, और प्रकृति है जो मानव के ऊपर अपने जो प्रभाव डालती है और मानव है जो प्रकृति के द्वारा जो डाले गए प्रभाव है उनसे प्रभावित होता है और प्रकृति के द्वारा कुछ नियम भी बनाए गए हैं, उन नियमों की पालना करना मानव के लिए अनिवार्य है। मानव उन नियमों को तोड़ नहीं सकता है और प्रकृति के द्वारा मानव के ऊपर प्रभाव भी डाले गए हैं और मानव है जो उन प्रभावों को ना तो कम कर सकता है और न ही समाप्त कर सकता है। इस प्रकार से इस निश्चयवादी जो विचारधारा है उसके अंतर्गत मानव और पर्यावरण में जो सर्वप्रमुख बताया गया है वो किसको बताया गया है? पर्यावरण को, ठीक है। हम इसकी विचारधारा की विकास के बारे में बात करें तो इस विचारधारा का जो विकास है वो जर्मनी में हुआ था। विकास इस जर्मन निश्चयवादी विचारधारा का विकास जर्मनी में हुआ था और जर्मन के जो विचारक है उन्हीं ने इस विचारधारा का समर्थन किया है और इसका हम जन्मदाता माने तो निश्चयवादी विचारधारा के जन्मदाता है फ्रेडरिक रेटजेल को ये निश्चयवादी जो विचारधारा है उसका जन्मदाता माना जाता है, ठीक है। आगे हम इसके जो निश्चयवादी विचारधारा है उसके संबंध में अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए थे। हम सबसे पहले देखते हैं जो अरस्तु के द्वारा इसके बारे में मत प्रस्तुत किए गए थे उनके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, निश्चयवादी विचारधारा के संबंध में के समर्थन में अरस्तु ने सर्वप्रथम अपने विचार प्रस्तुत किए थे। अरस्तु ने बताया था कि जो यूरोपीय जो देश हैं, यूरोपीय या फिर ठंडे प्रदेशों के लोग साहसी और बहादुर होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, इनमें जो सोचने विचारने की क्षमता नहीं होती है, लेकिन इनमें विचारों की क्षमता और तकनीकी क्षमता इनमें नहीं होती है, ये बताया था अरस्तु ने। अरस्तु ने बताया कि जो यूरोपीय देशों के या फिर ठंडे प्रदेशों के लोग हैं वो बहुत अधिक साहसी होते हैं, बहादुर होते हैं, लेकिन उनमें सोचने विचारने की क्षमता और तकनीकी क्षमता उनमें बिल्कुल भी नहीं होती है। इसके विपरीत जो एशिया के जो लोग हैं उनमें विचारने की क्षमता बहुत अधिक होती है, वैचारिक रूप से कुशल होते हैं लेकिन वो क्या होते हैं डरपोक होते हैं, साहसी बिल्कुल भी वो नहीं होते हैं। ये सबसे पहले बताया था अरस्तु ने अपने विचार प्रस्तुत किए निश्चयवादी विचारधारा के अकॉर्डिंग। उन्होंने बताया कि जो यूरोपीय और ठंडे प्रदेशों के जो लोग हैं वो साहसी बहादुर होते हैं, लेकिन उनमें सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं होती है, वो तकनीकी आधार पर बिल्कुल बहुत ही कमज़ोर होते हैं। फिर उन्होंने बताया कि इसके विपरीत एशिया के जो लोग हैं वो वैचारिक रूप से कुशल होते हैं परंतु वो डरपोक होते हैं, वो साहसी बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ये थे अरस्तु के विचार। उसके आगे हम फ्रेडरिक रेटजेल के बारे में बात करते हैं कि उन्होंने अपने निश्चयवादी विचारधारा के संबंध में क्या मत प्रस्तुत किए। रेटजेल ने बताया कि मानव के जो प्रकृति के जो सभी तत्व हैं, प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं, जलवायु,
धरातल, वनस्पति, वनस्पति इनमें और मानव में क्या पाया जाता है? परस्पर अंतर संबंध पाया जाता है। मानव में परस्पर अंतर संबंध पाया जाता है, ठीक है। वह अंतर संबंध भी किस प्रकार का? कठोर अंतर संबंध पाया जाता है। और ज़्यादा प्रभावशाली किसको माना है? पर्यावरण को। जिसमें प्रभावशाली किसको माना है? पर्यावरण को, ठीक है। रेडजेल ने बताया है कि प्रकृति के तत्व जैसे जलवायु है, धरातल है और वनस्पति है, इनमें और मानव में मध्य पारस्परिक कठोर अंतर संबंध पाए जाते हैं, और जिसमें प्रभावशाली माना है पर्यावरण को, ठीक है। आगे उन्होंने बताया है, आगे रेडजेल ने बताया है कि मानव चाहे कितना भी ऊंचा उठ जाए, चाहे कितना भी उस मानव ने अपना विकास कर लिया हो, लेकिन वह धरती से ही संबंधित है, ठीक है। फिर आगे उन्होंने अपने एक कथन कहा है, और रेडजेल ने बताया है कि मानव की जो बुद्धि, संस्कृति और सभ्यता की तुलना, रेडजेल ने कहा है कि मानव की सभ्यता और संस्कृति की तुलना एक चिड़िया से नहीं की जा सकती। एक चिड़िया जो आसमान में स्वच्छंद उड़ती है, उससे मानव की बुद्धि और सभ्यता की तुलना नहीं की जा सकती, बल्कि मानव की सभ्यता और बुद्धि की तुलना एक पेड़ के तने से की जा सकती है, जो हमेशा ही पृथ्वी से संबंधित रहता है या फिर धरती से बंधा हुआ रहता है। उसने आगे बताया कि मानव चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, चाहे मानव ने अपना कितना भी विकास कर लिया हो, कितना भी मानव अपना सिर आसमान में कितना भी ऊंचा क्यों न उठा ले, लेकिन उसके पैर हमेशा ही पृथ्वी से संबंधित रहेंगे, पृथ्वी के ऊपर टिके हुए रहेंगे, ठीक है। तो ये था, रेडजेल ने अपने कोटेशन दिया था निश्चयवादी विचारधारा के संबंध में। तो उसका मतलब ये है कि मानव कितना भी ऊंचा हो जाए, कितना भी मानव ने अपनी सभ्यता का विकास कर ले, कितना भी अपना सभ्यता का चाहे प्रचार प्रसार कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन प्रकृति के सामने मानव बिल्कुल तुच्छ प्राणी है, ठीक है। इसका मतलब ये है। आगे हम देखें निश्चयवाद की विचारधारा के बारे में, अनेक जो विद्वान थे जैसे हिप्पोक्रेटस, अगले विद्वान थे हिप्पोक्रेटस, हिप्पोक्रेटस। तो हिप्पोक्रेटस ने भी अपनी जो निश्चयवादी विचारधारा, उसके बारे में अपने मत प्रस्तुत किए, और उन्होंने बताया कि जो यूरोपीय देश हैं, यूरोप के द्वारा बार बार एशिया के ऊपर आक्रमण होते रहे हैं, ठीक है। और वो आक्रमण क्यों होते हैं? क्योंकि यूरोप के जो लोग हैं बिल्कुल साहसी होते हैं। साहसी क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ की जो जलवायु है वो जलवायु कठोर होती है। यूरोप की जो जलवायु है वो कठोर होती है, और कठोर जलवायु में जन्म लेने के कारण यूरोप के लोग बिल्कुल साहसी होते हैं, निडर होते हैं, ठीक है। और इसके विपरीत एशिया के जो लोग हैं वो होते हैं आराम पसंद और डरपोक होते हैं, ठीक है, उनमें कुछ भी साहस नहीं होता है। उन्होंने बताया कि हिप्पोक्रेटस ने बताया कि यूरोप के द्वारा एशिया के ऊपर बार बार आक्रमण होते हैं। उन आक्रमण होने का प्रमुख कारण यह है कि वहाँ की कठोर जलवायु, क्योंकि वहाँ पर कठोर जो जलवायु पाई जाती है उसी के कारण वहाँ के जो लोग हैं साहसी और निडर होते हैं, और इसीलिए एशिया पर बार बार आक्रमण करते रहते हैं, क्योंकि एशिया के जो लोग बिल्कुल डरपोक हैं और आराम पसंद होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अगले जो विचारक हैं हम्बोल्ट ने भी अपने निश्चयवाद के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए थे। हम्बोल्ट की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो मैंने आपको बार बार बताई है, जिसका नाम है कॉस्मोस। कॉस्मोस, तो देखिए हम्बोल्ट ने अपनी पुस्तक कॉस्मोस में लिखा है, कॉस्मोस ने जो निश्चयवादी विचारधारा है उसको वैज्ञानिक रूप प्रदान किया है, ठीक। किसने? हम्बोल्ट ने। हम्बोल्ट ने अपनी पुस्तक कॉस्मोस में निश्चयवादी विचारधारा के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, और उन्होंने जो निश्चयवादी विचारधारा है उसको वैज्ञानिक रूप प्रदान किया है। उन्होंने बताया है कि जो भूमध्य सागरीय जलवायु के विकास का कारण क्या है? वहाँ की जलवायु के विकास का कारण
कारण है वहाँ की जलवायु। ठीक है, वहाँ की जलवायु इस प्रकार की है कि वहाँ पे रसदार फलों की कृषि की जाती है। वहाँ पे जिस प्रकार की जलवायु है वही जलवायु भूमध्य सागरीय प्रदेश के विकास का कारण है, ये बताया है हम्बोल्ट ने और अपने ग्रंथ अपने जो पुस्तक है कोसमक उसने उसका वर्णन किया है। आगे हम देखें चार्ल्स डार्विन के बारे में, तो चार्ल्स डार्विन ने अपनी एक पुस्तक लिखी जीवों की उत्पत्ति। डार्विन ने अपने विचार प्रस्तुत किए अपनी पुस्तक में, जिसका पुस्तक का नाम है जीवों की उत्पत्ति। तो चार्ल्स डार्विन ने अपनी जो निश्चय जो वादी विचारधारा है उस विचारधारा के संबंध में जो जीवों की उत्पत्ति नामक पुस्तक में है उसने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। और उन्होंने बताया है कि जो जीवों का जो विकास है, उन्होंने बताया कि जीवों के विकास और पर्यावरण का घनिष्ठ अंतर संबंध पाया जाता है। जीवों के विकास और पर्यावरण में आपस में घनिष्ठ अंतर संबंध पाया जाता है। और जीवों का विकास किसके ऊपर निर्भर करता है? पर्यावरण के ऊपर। जीवों का विकास पर्यावरण पर निर्भर करता है। पर्यावरण के ऊपर निर्भर करता है, ये बताया था डार्विन ने अपनी पुस्तक में जीवों की उत्पत्ति में। ठीक है, उसके आगे हमारी जो अगली विचारक है कुमारी सेम्पुल, उसके बारे में हम देखते थे। कुमारी सेम्पुल ने भी अपनी निश्चयवादी विचारधारा के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए थे। और कुमारी सेम्पुल ने बताया था, आगे हम देखते हैं कुमारी सेम्पुल। तो देखिए, कुमारी सेम्पुल ने जब इस अपने विचार बताए थे 1911 में, तभी यह जो विचारधारा है वह अपने चरम स्तर पर पहुंची थी। उन्होंने बताया था कि जो मनुष्य है वह मनुष्य पृथ्वी तल की एक उपज है। मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है, इसका मतलब उन्होंने बताया कि मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है। इसका मतलब केवल यही नहीं है कि वह मनुष्य जो पृथ्वी का एक बच्चा है, वरन प्रति इसके अलावा जो पृथ्वी है वह मनुष्य के जो लालन मनुष्य का लालन पालन किया है, उसके सामने कई विचार भी उसके बताए हैं, उसको एक निश्चित दिशा प्रदान की है, उसके सामने कुछ समस्याएं भी प्रस्तुत की है, इस प्रकार से उसका विकास हुआ है। मतलब उन्होंने बताया है कि कुमारी सेम्पुल ने बताया है कि मनुष्य पृथ्वी तल की एक उपज है, ये इसका एक प्रसिद्ध कोटेशन है। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल मनुष्य पृथ्वी का एक बच्चा है, बल्कि पृथ्वी ने उसका लालन पालन भी किया है। ठीक है, ये थे सेम्पुल के निश्चयवादी विचारधारा के संबंध में विचार। हम आज की वीडियो में हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, उसके आगे हम इसी सीरीज़ में हम इसके बारे में जो कुछ विचार बच गए वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।